सी का फॉर्म भर चुके हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा सर आपने कहा उसके बाद मैंने ट्रिपल सी का फॉर्म भर दिया, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है इसलिए ट्रिपल सी आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो लेखपाल की वैकेंसी में ट्रिपल सी मांग लिया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, उस टाइम आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा। तो चलिए जो लोग ट्रिपल सी का फॉर्म भर दिए उनके लिए भी ये वीडियो है, जो लोग ट्रिपल सी का फॉर्म भर के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी ये वीडियो है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक लास्ट तक देखते हैं। तो चलिए देखते हैं शुरू। मैंने बताया था आप ट्रिपल सी का एक फॉर्म भर देते हैं, उसके बाद आपका 2 महीने के बाद एग्जाम होता है। तो एग्जाम जो होता है सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑनलाइन होता है। तो चलिए इस वीडियो में बताएंगे कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हैं ट्रिपल सी का एग्जाम आसानी से, बिना हल्का फुल्का पढ़ के आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ठीक है, तो मैं टोटल जो क्वेश्चन पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है और 100 मार्क्स आपको लाने होते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क लाने होते हैं। 50 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, इस टाइप का पेपर होता है और पेपर कोई ज्यादा टफ नहीं आता है, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज है, आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, 4 विकल्प रहेंगे और 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है। और क्या पढ़ना है मैं बता देता हूं, उसे आप पढ़ लीजिएगा और मैं कुछ नोट्स दे दूंगा या तो आपको ट्रिपल सी का बुक प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ में मेरे द्वारा, आप उसे लेके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है मैं बता देता हूँ। सॉल्ट क्री, जैसे कंट्रोल वी होता है पेस्ट करना, कंट्रोल सी होता है कॉपी करना, कंट्रोल एक्स होता है कट करना, ठीक है। ये सब सॉर्ट की होते हैं, उसे आपको याद करना है, कई सॉर्ट की होते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। मेनू ऑप्शन में कौन कौन से, एडिट मेनू ऑप्शन, फाइल मेनू ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं ये देखना आपको। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि इस चीज से क्या क्या होता है, कितने रो होते हैं कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपको आना चाहिए, ये जो बता रहा हूँ जी ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए, कुछ नहीं है इसको। अगर जो आप चाहेंगे तो कंप्यूटर शॉर्टकट की 1 दिन में याद कर सकते हैं, मेनू ऑप्शन को आप कंप्यूटर लेके देखते ही हैं वो आपको पता ही होगा अगर जो आप कंप्यूटर चलाते होंगे। एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है, मैं पूरा नहीं कह रहा हूँ, कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपको पढ़ना होगा, कंप्यूटर का थोड़ा सा इतिहास, कंप्यूटर को क्या क्या कहते हैं, क्या क्या चीजें होते हैं, इनपुट आउटपुट कौन कौन सी डिवाइस होती है और क्या क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें आपको कंप्यूटर बेसिक नॉलेज आपको लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं पेपर कैसे देते हैं, ठीक है। मैंने आपको पहले बता दिया 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं, 50 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है। तो आप पेपर कैसे दें चलिए इसको देख लेते हैं, ठीक है। चूंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 आते हैं, ये आपको करना है, इसमें मैं आपको कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। मैं ये कहता हूं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 50 आते हैं, अगर जो आपको इसमें 25 आता है तो भी आप सही है, कोई दिक्कत नहीं। 25 अगर जो आपको इसमें आ रहा है तो आप सही है, अच्छे से कर लीजिए, पहले जो भी क्वेश्चन आ रहा है मल्टीपल चॉइस में उसे कर लीजिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन मान लीजिए आपको सही सही आ रहा है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 50 होते हैं तो 25 आपने कर लिया। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, देखना है आपको कौन सा लग रहा है, जो भी लगता है उसको लगा देना आप 4 विकल्प में से, ठीक है। ये आपका 50 मल्टीपल चॉइस है, आपको करना है, इसमें आपको कुछ नहीं कर सकते। इसमें यही है कि 50 में अगर जो आपने 25 कर दिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन क्या, आप क्वालिफाई कर जाएंगे ट्रिपल सी के एग्जाम को, ठीक है। तो ये मल्टीपल चॉइस में आपको 25 नंबर या इससे प्लस ज्यादा जितना उठा लेंगे उतना आपका ग्रेड सही हो जाएगा, क्योंकि आपको क्वालिफाई मार्क मैं बता देता हूँ 50 नंबर से ऊपर, 50 पाते हैं 50 से ऊपर तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं, 50 से आपका 55 तक है अगर जो तो आपको डी ग्रेड मिल जाता है और 55 से ऊपर है तो आपका सी ग्रेड, और इसी तरह ग्रेड भी डिसाइड रहता है ट्रिपल सी के लिए, ठीक है। अब देखते हैं आपका हो गया मल्टीपल चॉइस के बारे में, अब आपको देखना है ट्रू फॉल्स में, ठीक है। ट्रू फॉल्स दोस्तों, पहले ट्रू फॉल्स आपको पढ़ना है, अगर जो आ रहा है तो कोई ठीक है, नहीं तो अगर जो नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूं आपको क्या करना है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में दोस्तों, जिस क्वेश्चन में नॉट हो वो तो पूछा नॉट होता है कि या उसमें होता है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में नॉट हो ट्रू फॉल्स में उसे हम फॉल्स लगा देना है, अगर जो हमें नहीं आ रहा है तो, ठीक है। बस जिस क्वेश्चन में नॉट ना हो उसे हमें ट्रू लगा देना, ठीक है। और पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया हाँ लगा लो, ठीक है। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, अगर जो आ रहा है तो सही है, तो नहीं तो नहीं आ रहा है तो नॉट हो तो ये फॉल्स, नहीं तो ट्रू लगा देना, ठीक है। या तो आपको ये भी नहीं करना है, आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, इसमें से कोशिश करिए मल्टीपल चॉइस से 25+ कर दे, ठीक है। 25+ कर दीजिए, उसके बाद जो आता है या तो बाक्स जितने भी 50 क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में सारे के सारे ट्रू लगा दो, ठीक है। सारे के सारे ट्रू लगा दो, मैं गारंटी लेता हूं उसमें से 30 नंबर आपके हो जाएंगे ट्रू फॉल्स, सिर्फ 30 नंबर और 25 नंबर इससे, तो आप 50+ हो जाएंगे, आप आसानी से आपका ट्रिपल सी एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा।